अपने कार्य एवं व्यवहार कुशलता से पुलिस की छवि सुधारने वाले एसएसपी शलभ माथुर ने अगर पुलिस की छवि धूमिल करने वाले पुलिस कर्मियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने से परहेज नहीं की है तो उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने से भी पीछे नहीं है। बुधवार को एसएसपी अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले तथा पुलिस विभाग के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 42 पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और पुलिस की छवि धूमिल करने वाले उन पुलिस कर्मियों को एक संदेश दिया कि अगर वे बेहतर कार्य करेंगे तो उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से विशेष बातचीत करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जाबाज सिपाहियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है, जिसमें क्राइम ब्रांच, साइबर सेल, सर्विलांस सेल, स्वाट टीम सहित थानों के सिपाही शामिल है। एसएसपी शलभ माथुर ने कहा कि पुलिस की छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। एसएसपी शलभ माथुर ने बताया, मामला ये था कि विगत दिनों में एक तो 25,000 रुपये का इनामी जो बहुत लंबे समय से वांछित चल रहा था उसको गिरफ्तार किया गया। डिप्टी रेंजर के ऊपर जो हमला करने वाले जो मुख्य अभियुक्त था जो है उसने जब पुलिस के ऊपर फायरिंग की तो आत्मरक्षा जब पुलिस की फायरिंग हुई तो उसको भी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। और ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में लगातार जो है हम लोग की जो थाने का है और सीनियर ऑफिस जो CEO एडिशन SP लेवल पर क्राइम ब्रांच सर्विलांस की टीम एक कंबाइंड वे से ऑपरेट कर रही थी, तो इस तरह के शातिर अपराधियों को पकड़ने से जो है टीम का मनोबल, क्योंकि वो इस तरीके से वो लगातार कार्य करते रहे क्राइम के ऊपर, तो टीम के मनोबल के लिए बहुत ज़रूरी होता है और उसी के लिए जो उन्होंने अच्छा कार्य किया उन लोग को पुरस्कृत किया गया, प्रशस्ति पत्र दिया गया। संदेश देना चाहते हैं पुलिस कर्मियों को कि अच्छे कार्य करें? जी, संदेश यही है, अच्छा कार्य करेंगे तो हम लोग की अच्छी छवि बनेगी पुलिस की, लगातार क्रिमिनल्स के ऊपर अपराधियों के ऊपर लगातार अच्छी कार्रवाई होगी तो एक अच्छा मैसेज जाता है। इसी का हमारे प्रयास है कि हम उस टीम को कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहें और उनसे अच्छे रिजल्ट लेते रहें। जी, कई बार कुछ कारणों से कुछ ऐसे घटनाएं प्रकाश में आती हैं, चाहे वो व्यवहार को लेकर हो अन्य चीज़ों को लेकर, जिससे कई बार ऐसा लगता है कि पुलिस कर्मियों के द्वारा जो कृत्य किया गया वो आचरण के अनुकूल नहीं था, उसके ऊपर निश्चित रूप से एक दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। दंड देने का पर्पस जो है उसके कई पर्पस रहते हैं, लेकिन सारे मेरे को लगता है अधिकतर पुलिसकर्मी जो हैं काफ़ी मेहनत से और लगातार काम करते हैं और हम लोग का प्रयास यही है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रोजेक्ट करें और जो इस तरीके से इन्वॉल्व हैं किसी भी कारण से तो उनको दंड के साथ साथ उनके अंदर सुधार भी लाएं ताकि उसके अंदर रिपीटिशन ना हो। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग की जो रिवार्ड और दंड की प्रक्रिया है साथ में चलती है। नहीं, ये हम लोग का लगातार, जैसे मैंने बताया कुछ दिनों से हम लोग एक कोऑर्डिनेटेड वे में एक्सरसाइज करने का प्रयास हम लोग का ये चल रहा था, क्योंकि एक थाना क्षेत्र का अपराधी दूसरी जगह रहता है और उस पर्टिकुलर थाने क्षेत्र को इसका आभास नहीं होता, तो हम लोगों ने सबसे पहले इस तरह की लिस्ट सर्कुलेट कराई, आपस में कोऑर्डिनेशन कराया, एक एक थाना अध्यक्ष को टास्किंग दी कि आपके यहाँ पर इस थाना क्षेत्र का अपराधी रहता है। अधिकतर चीज़ों में जानकारी निकल के आई कि कई थाना अध्यक्ष नहीं भी गए थे तो ये कोऑर्डिनेशन की कमी थी, इस तरीके से कंबाइंड वे में दबिश दी गई और क्रिमिनल्स को टारगेट किया गया। ये हम लोग की कार्रवाई लगातार रूप से चलती जाएगी।